यहाँ उपस्थित डॉक्टर सिलाल जी, डॉक्टर वाजपेयी, अयाज भाई और प्रिय, आप हमारे गौरव हैं, आप हमारी शान हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं तो इस जज्बे को सलाम करता हूँ, इतनी विपरीत परिस्थितियों में, ख़राब मौसम में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना और तमाम दीगर जो परेशानियाँ हैं हमारे बीच में, उसको पार करके एक सच्चे खिलाड़ी के जज्बे के साथ जिस तरह आप सामने आए, आपने अपने खेल का प्रदर्शन किया, जिस तरह से आपने प्रतिभाग किया, पार्टिसिपेशन किया, सब के लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ। मैं एक पुरानी बात कहूँगा कि जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रतिभाग करना, सम्मिलित होना और उस टीम भावना का परिचय देना महत्वपूर्ण होता है जिसको आपने दिया। मैं चाहूँगा कि ये टीम भावना हमेशा आपकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा रहे, क्योंकि ये एक सही मनुष्य को निर्मित करने के लिए, एक सही आप में एक आदमीयत, एक मनुष्यता का बोध कराने और उसको विकसित करने के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप में टीम भावना है, आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और खुद अपने आप के लिए एक उदाहरण बने रहे। मेरी बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद कि ये आपका जीवन सफल हो और ये खिलाड़ीपन और ये खिलंदड़पन आपका बना रहे। बहुत धन्यवाद। रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों को धन्यवाद। आभार। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज बैडमिंटन पुरुष तथा महिला प्रतियोगिता फाइनल मैच में क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बीडी मिश्रा, डॉक्टर सी लाल मोहम्मद अयाज, क्रिकेट कोच व वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ी खिलाड़ियों को परिचय के साथ को बधाई दी। खेल के प्रति दृढ़ संकल्प और निर्भीकता से खेलने को प्रेरित किया तथा अनिता वाजपेयी ने गर्ल्स खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह वर्धन किया। महिला वर्ग के सिंगल्स फाइनल में नेहा भारती ने लक्ष्मी शर्मा को लगातार दो गेम में 21-18 और 21-11 अंकों से पराजित कर चैंपियन होने का सम्मान प्राप्त की। लक्ष्मी शर्मा उपविजेता स्थान प्राप्त की तथा दीपिका सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग के डबल्स फाइनल में दर्शकों को रोमांचक मैच देखने को मिला। हरिओम गुप्ता और विक्रांत सिंह की टीम तथा फारूक शेख और आशीष कुमार की टीम के बीच कांटे का मुकाबला रहा। प्रथम गेम में फारूक शेख और आशीष की टीम ने 21-19 से जीते तथा दूसरे और तीसरे गेम में हरिओम गुप्ता और विक्रांत ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 21-14 और 21-14 अंक से जीत कर ग्लोबल चैंपियन बने। डबल्स में तीसरा स्थान नागर और अमन मिश्रा की टीम ने प्राप्त किया। निर्णय देने का कार्य डॉक्टर सी लाल तथा श्रीमती अनिता वाजपेयी ने किया। पुरुष डबल्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में फारूक शेख और आशीष कुमार की टीम ने उपविजेता स्थान प्राप्त किया। रायबरेली समाचार चैनल के हजारों दर्शकों धन्यवाद। आप सभी खबर को आगे और भी ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
परिचय दे दिए, आज ये बैडमिंटन चैंपियनशिप था फाइनल मैच, क्या मैं मोहम्मद अयाज यहाँ का एक्स स्टूडेंट रहा हूँ फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज का। आज यहाँ पे बैडमिंटन टूर्नामेंट बॉयज़ एंड कर्ट्स के समापन हो रहा है, तो बॉयज़ का डबल्स का हो चुका है और डबल्स में हरिओम गुप्ता ने फारूक शेख की टीम को हरा करके विनर हुआ, हरिओम गुप्ता की टीम विनर हुई है। गर्ल्स का सिंगल का फाइनल हो चुका है, नेहा ने लक्ष्मी को हरा करके फाइनल जीत लिया है। डबल्स का अभी गर्ल्स का चल रहा है, उसका रिजल्ट आना बाकी, चूँकि अभी एक ही गेम हुआ है और बेस्ट ऑफ थ्री, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप पिछले दो तीन दिनों से सर यहाँ आ रहे हैं, कैसा लग रहा है बच्चों में? बहुत ही अच्छा, बहुत टैलेंटेड डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं और बैडमिंटन में भी बहुत टैलेंट है। यहाँ पे 4-6 बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और अगर उनको सही सुविधा मिली तो वो आगे तक जा सकते हैं। हमारे कॉलेज का भविष्य भी वही बच्चे हैं और कॉलेज के मैनेजमेंट से मेरा अनुरोध भी है कि थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था सही करा दें, तो ये बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमसे उन्होंने बात भी की है, मुझसे कहा भी है, तो मैंने भी कॉलेज के मैनेजमेंट से अनुरोध किया है उनकी लाइट व्यवस्था सही करा दें तो वो आगे खेलें, प्रैक्टिस करें और कॉलेज का नाम रोशन करें। सर आज फाइनल मैच थे बैडमिंटन के, क्या रिजल्ट रहे बच्चों के? महिला वर्ग में बैडमिंटन का फाइनल मैच नेहा भारती और लक्ष्मी शर्मा के बीच खेला गया, जिसमें नेहा भारती ने विजेता स्थान प्राप्त किया और लक्ष्मी शर्मा ने उपविजेता स्थान प्राप्त किया। और कितने फाइनल या कितने सेमीफाइनल या टोटल क्या रिजल्ट आया? डबल्स पुरुष वर्ग का डबल्स फाइनल हुआ, जिसमें हरिओम गुप्ता की टीम विजयी रही और फारूक शेख की टीम उपविजेता रही। डबल्स महिला वर्ग का अभी चल रहा है मैच, इसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका फाइनल मैच खेला जा रहा है और कुछ ही समय में इसका निर्णय आ जाएगा। कितने क्या पॉइंट हुए हैं अभी जैसे जो चल रहा है? डबल्स फाइनल मैच में पहला गेम का 15-13 पॉइंट है, अभी बेस्ट ऑफ थ्री होना है तो रिजल्ट जो है थोड़ी देर में आ जाएगा।